इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। एपिसोड नंबर 15 है ये। कुछ सवाल हेल्प डेस्क के मैं ले लेता हूँ और कुछ ऐसे थे जिनको मैंने ईमेल पर जो है ना वो रिप्लाई कर दिया है। सद्दाम हुसैन सऊदी अरब से हैं, पूछते हैं क्या बुतों वगैरह का नाम लेने से इनका नाम लेना कैसा है, यानी जैसे महादेव, पार्वती, ईश्वर, परमेश्वर वगैरह, ये सब नाम लेना कैसा है, और दाढ़ी वगैरह के बाल गिरते हैं तो क्या करें। दाढ़ी के ताल्लुक से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि अगर बाल गिरते हैं तो उसमें कोई हुक्म यानी नहीं है, अगर जैसे टूटते हों बाल जिसको कहते हैं, अगर ज़्यादा ऐसा होता है तो उसका इलाज करा लिया जाए। और बुतों का नाम लेने के ताल्लुक से सवाल ना वाज़े नहीं है कि इनका नाम लेना किस पर्पज़ से है, यानी फ़कत किसी बंदे को, क्योंकि बंदे के भी नाम जो है ना इस नाम के ऊपर होते हैं, तो किसी को इस नाम से बुलाने के तौर पे या किसी को कुछ बताने समझाने के तौर से अगर नाम ले लिया जाएगा तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, जबकि वहाँ कोई नाम लेने का मौका हो। और अब नाम किस पर्पज़ से लिया जाएगा, वो चीज़ अगर होती तो होता कि इसका कोई जाप करना है नाम का, या इस नाम को लेकर कोई मामला है। और अगर जनरली नाम है सिर्फ ऐसे लेने के लिए, किसी का नाम ही ऐसा है, तो उस नाम लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आपका दूसरा सवाल ये था कि जो कपड़े वगैरह पहन कर ड्यूटी पर जाते हैं तो उस पर थोड़ी धूल मिट्टी या ऑयल जो है ना वो लग जाता है, तो उसे पहनकर नमाज पढ़ना कैसा, क्या मकरूह होगी। देखें, अगर कपड़ा जो काम वाला कपड़ा होता है उसे पहनकर नमाज मकरूह तो होती है, लेकिन मकरूह तंजीह ही होती है जबकि दूसरा कपड़ा भी उसके पास मौजूद हो इस सूरत में। और अगर ऐसा है कि नमाज का वक्त और दूसरे कपड़े पास में नहीं हैं तो फिर ऐसी सूरत में नमाज मकरूह भी नहीं होती। लेकिन जिसके लिए ये रोज़ डेली की रूटीन हो कि उसको काम पर जाना है और उसके कपड़े जो है ना वो गंदे होते हैं, तो उसको चाहिए कि फिर नमाज के लिए कोई साफ़ लिबास अलग से रखना चाहिए ताकि नमाज के वक्त में उसको अलग से पहना जा सके। और अगर जो चीज़ कपड़ों पर लगी हुई है वो खाली धूल मिट्टी या ऑयल है और कोई नापाकी नहीं है, यानी सिर्फ मैले हैं कपड़े लेकिन नापाक नहीं है, तो भी ये पसंदीदा नहीं है कि उसको पहनकर नमाज पढ़ी जाए। अगर दूसरा कपड़ा मौजूद है तो उस सूरत में कपड़े को बदलना चाहिए, और अगर मौजूद नहीं है तो उसे पहनकर फ़िलहाल नमाज़ पढ़ दे, लेकिन आइंदा इसका ख्याल रखे। तो ये ड्यूटी वाले जो कपड़े होते हैं इसमें नमाज मकरूह तंजीह ही होती है, यानी नमाज हो जाएगी लेकिन बेहतर नहीं था कि ऐसा किया जाए। अच्छा, इंडिया योहान से मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि इनके जो इमाम साहब है ना वो दाढ़ी उनकी नहीं है मुकम्मल, एक मुश्त से कम करते हैं, कटवाते हैं, तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं जमात से या फिर नहीं पढ़ सकते। इमामत के जो मसले हैं ना वो अपने करीबी या अपने शहर के दूसरे उलमा से जाकर ही मालूम करें कि फ़लाँ मस्जिद के इमाम के साथ ये मामला है और उनको इमाम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है ना फिर पर्सनली तौर से हो जाते हैं किसी के इमाम या इमामत के लिए। बाकी जनरली कायदा तो कई वीडियो के अंदर बयान किया जा चुका है इमामत की शरायत के अंदर, कि इमाम का जो है वो गैर फासिक होना इमामत की शरायत में से एक शरायत है। तो यानी ऐसा इमाम के जो दाढ़ी एक मुश्त तक ना रखता हो या उससे कम करता हो तो उस शख्स को इमाम बनाना जायज़ नहीं है, और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, यानी वो नमाजें जो ऐसे इमाम के पीछे पड़ी गई हों कि जिसकी दाढ़ी नहीं हो या एक मुश्त से कम हो, तो वो नमाज़ वाजिबुल अदा होगी, जबकि वो सुन्नी हनफी इमाम हो तो उसको चाहिए कि दाढ़ी एक मुश्त तक रखे। और ये एक ऐसी अजीम सुन्नत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है बढ़ाने का, कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को पस्त रखो। और अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी ये सुन्नत है, तमाम सहाबा इकराम की, औलिया, सूफिया सभी की जो है ना वो दाढ़ी कम अज़ कम एक मुश्त होती थी, इससे नीचे किसी की भी दाढ़ी नहीं होती थी। तो दाढ़ी का एक मुश्त से कम करना यानी ख़त टाइप जिसको कहते हैं कि ख़त करवा लेना, ये दाढ़ी के हुक्म में नहीं है। बग़ैर दाढ़ी वाला और ख़त वाला दोनों यकसा हैं, यानी गुनाह में दोनों बराबर हैं, इनके अंदर कोई किसी को किसी पे फजीलत हासिल नहीं है, फासिक होने में दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो ऐसे शख्स को इमाम जो है वो नहीं बनाया जा सकता। बेहतर है कि आप अपने करी इलाके में दूसरे उलमा से, दूसरी मसाजिद के उलमा से बात करें कि भाई इमामत कोई ऐसा शख्स कर रहा है जिसके अंदर नमाज या इमामत की शरायत नहीं है, और या फिर अपनी कमेटी से रब्ता करें, उनको बताएं कि जी ऐसा ऐसा मसला है, आप लोगों की नमाज़ें
ख़राब करा रहे हो, कोई ऐसा इमाम जो है ना मुसल्ले पर रखो, ये कमेटी ही की ज़िम्मेदारी है कि वो इमाम को लाने से पहले उसको परख ले कि इमाम बाशरा है या नहीं। कम से कम ज़ाहरी तौर से इमाम का शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी है। तो कमेटी को भी ये ज़िम्मेदारी है कि इमामत मस्जिद में नमाज के लिए जब इमाम चुने तो बिल्कुल वैसे ही चुने कि जैसे अपने घर गृहस्थी के मामले में कोई सामान खरीदते वक्त उसमें असली और नकली का बंदा पहचान करता है कि उसके कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाएं, ठीक इसी तरह मस्जिद में इमाम को लगाने से पहले उस इमाम को भी अच्छी तरह जिसके सोर्स से आ रहा है तो पता कर लेना चाहिए, देख भी लेना चाहिए कि ज़ाहरी तौर से है। नमाज़ को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना अपनी ना दूसरों की, कि कोई भी शख्स आए कि चलो जी आप ही नमाज़ पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नमाज़ को जो है ना इतनी मामूली इबादत या कोई ऐसी हल्की चीज़ में लेकर किसी भी शख्स को इमाम रख लेना ये दुरुस्त नहीं है। ये लोगों के ईमान की कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी की बिना पर ही वो नमाज़ की अहमियत को नहीं समझ रहे। अगर नमाज़ की अहमियत को समझते कि ये जो है ना कितना अहम तरीन फ़र्ज़ और कितनी अहम तरीन इबादत है तो वो इमाम बनाने से पहले लोगों की नमाज़ की फ़िक्र भी करते कि ऐसा शख्स जो है ना इमामत पे नहीं होना चाहिए कि जो ज़ाहरी तौर से शरीयत का पाबंद ना हो। तो आप कमेटी वगैरह से रابطہ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई सूरत निकल जाएगी। सैयदा उड़ीसा से सवाल था, इन्होंने पूछा है कि एक वीडियो देखी थी मेरी सरोगेसी के बारे में, अच्छा वो जिना के हुक्म में आएगा लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी भी हराम है क्या? उसके लिए किसी दूसरी औरत की कोख किराए पर नहीं लेनी पड़ती बल्कि सेम पेट्रीडिश में कुछ दिन तक फर्टिलाइजेशन के लिए रखा जाता है। असल में ये टेस्ट ट्यूब बेबी के ताल्लुक से पहले भी मेरी एक वीडियो बनी हुई थी लेकिन यूट्यूब के कुछ इशू की वजह से फिर मुझे उसको जो है ना हटाना पड़ा, पुरानी थी डली हुई। ये पहले भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी का हुक्म जो है ना बाज़ उलमा इसको जिना के हुक्म में लाते हैं कि ये जिना है कि किसी मर्द की मनी को किसी औरत के साथ मनी के साथ जो है ना वो मिक्सअप करने के बाद औलाद को वजूद में लाया जाता है। असल में ऐसा होता नहीं है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना सेम दंपत्ति के यानी कि जो मर्द है और औरत है इन दोनों के आपस में मनी को मिलाकर ही जो है ना बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्योंकि जिस औरत यानी बीवी ही की मामला है और मर्द ही का मामला है तो इसलिए ये जिना के हुक्म में नहीं होगा। जिस तरह से आपने बताया कि किराए पर कोक लेते हैं वो सरोगेसी वाला मसला था कि किसी और मर्द की मनी किसी और औरत के रहम में रखी जाएगी तो ये उसके हुक्म में टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। मगर इसकी जो नाजायज़ और हराम उलमा ने लिखा है ना इसकी सूरत वो इस वजह से है कि वहाँ पर बेपर्दगी का मामला होता है क्योंकि ये सारे मामलात जो करने वाले होते हैं वो अक्सर जेंट्स डॉक्टर होते हैं और अगर लेडीज़ भी हो तो लेडीज़ के सामने भी बेवजह का सित्र खोलना यानी जायज़ नहीं है चाहे वो किसी भी मज़हब की लेडीज़ हो, मुसलमान के भी आगे और काफिर लेडीज़ के आगे भी। तो अब क्योंकि जो है ना मर्द की मनी निकाल कर और औरत के रहम में रखना और फिर इसको इंजेक्ट करना औरत के रहम में तो ये सब मामला सित्र खोले बगैर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसकी इजाज़त इसीलिए उलमा नहीं देते क्योंकि यह बेसित्री का जो है ना औरत के लिए बहुत ज़्यादा गालिब गुमान भी नहीं है बल्कि यकीनन यकीनी तौर से जो है ना अंदेशा पूरा रहता है, यकीनी तौर से वहाँ बेपर्दगी का मामला रहेगा। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर ये सब मामलात करने वाला डॉक्टर औरत का शौहर है, मसलन ये कि सारे मामलात जो है ना वो जो डॉक्टर करेगा वो इसका औरत का शोहर होगा तो गुंजाइश हो सकती है कि शोहर के आगे कोई मसला नहीं हो लेकिन अक्सर चांसेस ऐसा नहीं होता कि जेंट्स डॉक्टर होते हैं तो इसलिए जो है ना उलमा मना कराते हैं। बाकी अगर किसी के साथ ये सूरत पेश आती है कि उसको ज़रूरत है टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से तो एक दफ़ा उलमा से जाके मामलात रबता कर लीजिए कि ऐसे ऐसे सूरत है अगर आपके लिए कोई सूरत उलमा निकाल के दे दे तो हो सकता है। अलबत्त ये कि टेस्ट ट्यूब जिना के हुक्म में लेंगे लेकिन बेसित्री की वजह से ये नाजायज़ है कि इसमें सित्र का खोलना होगा। इंदौर से फरदीन खान हैं, अच्छा नाते रसूल जो रिंगटोन वगैरह होती है इसके ऊपर जिक्र होता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका जिक्र आने पर दुरूद भेजना चाहिए ये उन्होंने ख़ुद फरमाया है। तो रिंगटोन वगैरह बजती है तो कोई दुरूद पढ़ने का ध्यान नहीं देता। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि मोबाइल के अंदर जो है ना नात की या कुरान पाक की रिंगटोन वगैरह रखना कैसा। बाकी आपने कहा कि अगर
दुरूद पढ़ना चाहिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दुरूद ना पढ़े, तो उसके लिए है कि जो जिक्र जो है ना बराए रास्त सुने। अगर रिकॉर्डिंग के अंदर ये है जैसे कि आपने कहा कि रिकॉर्डिंग बस्ती को ध्यान नहीं देता, तो अगर दुरूद पाक पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी वही जुमरे में कि वो शख्स बखील है या कंजूस है, तो वो उस लिए होगा कि जब वो जानबूझकर जिक्र सुनने के बाद भी दुरूद पाक ना पढ़े, कि जहाँ पर हुजूर पाक का नाम लिया जाए उस मजलिस में कम अज़ कम एक मरतबा जो है ना दुरूद पाक का पढ़ना वाजिब है जब उस मजलिस के अंदर हुजूर पाक का नाम लिया जाए। और बाकी हर दफ़ा नाम लिया जाए तो हर दफ़ा पढ़ना जो है वो मुस्तहब है। तो अगर रिंगटोन बजती है ध्यान नहीं देता तो बेहतर है फिर आप उस रिंगटोन को हटा ही लीजिए। बाकी अगर रिंगटोन बजती है हुजूर का नाम आता है तो उसमें दुरूद पढ़ना चाहें तो ठीक है, नहीं भी अगर पढ़ेंगे तो वो रिकॉर्ड शुदा होता है तो उसके अंदर जो है वो गुनाह नहीं है। सैयद मतीन है हैदराबाद से, इनका सवाल है कि सूरह यासीन के अंदर आयत नंबर 21 के स्टार्टिंग में जो लिखा है उसको करेक्ट तलफ़ क्या है, इत्तबियू या अत्तबियू पढ़ें और दुआ ज़ुआद पढ़ने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना। इसके दुआ ज़ुआद की तो मैं अलग से वीडियो जो है ना बनाऊंगा तो उसके अंदर ही आ जाएगा। बाकी सूरह यासीन के अंदर जो आप लिख रहे हैं शायद आयत नंबर 21 के अंदर जो चीज़ आपने लिख के दी है वो इत्तबियू है। तभी यानी अलिफ को जो है ना उसके अंदर ज़ेर के साथ इसको पढ़ेंगे जो सूरह यासीन के अंदर 21वीं आयत है वहाँ से मेरे ख्याल से इत्तबियू मल्ला यसलुकुम हाँ इत्तबियू है वो जो आपने शायद लिखा है ना, ये आपने तो मेरे ख्याल से अत्तबियू लिखा है इसको मेरे जहन जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो आपने लिख के भेजी सवाल में, लेकिन ये अलिफ़ जो है ना यहाँ पर ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा यानी इत्तबियू, तो इसको ज़ेर के साथ पढ़ेंगे सूरह यासीन के अंदर। इसका तीसरा लेटर देखा करें कि जहाँ ऐसे कुरान पाक में अल्फाज होते हैं कि जहाँ अलिफ़ के आगे खाली होता कुछ नहीं होता, तो उसका जो थर्ड लेटर होता है अगर तीसरा लेटर इस तरीके का होता है कि उस पर ज़ेर ज़बर हो तो उसको ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, अगर पेश हो तीसरे लेटर पर तो उसको पेश के साथ पढ़ेंगे, और इसका जो तीसरा लेटर है यानी बा वो ज़ेर के साथ है तो इसलिए इस पर जो है वो अलिफ के नीचे जेर होगा, तो ये इत्तबियू मल्ला इस तरीके से पढ़ा जाएगा। पत्थर में